एक बार फिर तो स्वागत है जी आज दी यूट्यूब लाइव क्लास दे विच। आज दी साड़ी जो यूट्यूब लाइव क्लास है डेट इज अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी दी नेक्स्ट जो डिस्कशन करन जा रहे हैं जिमें कि टाइटल तुसी पढ़िया होगा, टुडे वी विल डिस्कस द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। सो ब्रीथिंग इज द बेसिक फिनोमिना इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। इतने तो सिंपल ठीक है जी, इन पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पीरेशन तो एक्सपीरेशन दो कवर्ड होंगी। इंस्पीरेशन जो है एक्टिव प्रोसैस है, लंग्स के हवा आती है फ्रॉम द एटमोसफीयर, तो ड्यूरिंग एक्सपीरेशन ये पैसिव प्रोसैस है, अपने आप असी सह बाहर छड़ते हैं ठीक है जी। ब्रीथिंग एंड रेस्पीरेशन जो है ये सिन नॉनिमस नहीं है, ब्रीथिंग ते रेस्पिरेशन दा सेम मीनिंग नहीं है, दे आर द डिफरेंट इन द मीनिंग ठीक है जी। ब्रीथिंग फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन दा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द गैस दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक टू द लंग्स टू द एल्वोलाई। एंड रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसैस है, जो सैल दे विच ऑक्सीजन दे नाल ऑक्सीडेशन होंदी है फूड की, जिन्ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ते एटीपी बढ़ता है ठीक है जी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल। आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द वीडियो फ्रॉम दिस, तो एनी होप वी अगेन रिवाइज इट। फर्स्ट इज द प्रोटोजोन, प्रोटोजोन दे विच एनम अमीबा पैरामीशियम आता, दे डोंट नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे सिंपली एक्सचेंज द गैसेज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पंजेस परिफेरा दे विच सैल मेम्ब्रेन है, क्रिनेरिया दे विच भी बॉडी सरफेस है, प्लैटी हेलमेंथिस प्लैट फॉर्म दे विच बॉडी सरफेस, तो जो बॉडी दे अंदर पैरासाइट रहिंदे दे डू नॉट एनी गैस एक्सचेंज रिक्वायर्ड। निमेटो हेलमेंथिस राउंड फॉर्म दे विच भी बॉडी सरफेस है, इहदे विच भी जो पैरासाइट है उहदे विच गैस एक्सचेंज की लोड़ नहीं है, क्योंकि बॉडी दे एनवायरमेंट पैरासाइट जो होस्ट एनवायरमेंट दे नाल कंसाइड करदे आ। एनालिडा दे विच स्किन है, जिन्हों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। आर्थ्रोपोडा विच काफ़ी वरायटी ऑफ ऑर्गन मिलते हैं, जिदा प्रॉन दे विच लंग्स है, गिल्स है, थोड़ी ब्रंकियल रेस्पिरेशन है। इनसैक्ट सेंटीपीड मिलीपीड दे विच ट्रैकीए है, किंग क्रैब दे विच बुक लंग है, क्रैब दे विच ते किंग क्रैब दे विच बुक गिल है, क्रैब सॉरी स्कॉर्पियन जो है उहदे विच बुक लंग होणगे, जो आपका किंग क्रैब है उहदे विच बुक गिल होणगे। मलस्का दे विच टिनेडिया जिन्हों गिल कहिंदे आ, ते पल्मनरी सैक इकाइनोडर्मेटा विच डर्मल ब्रेंकी हुंदे आ एंड ट्यूफीट। हेमिकोडेटा विच फरेंजियल वॉल, तो उहदे बाद कोडेटा आ जांदा जी, कोडेटा विच यूरोकोडेटा विच फरेंजियल वॉल, सिफेलोकोडेटा विच फरेंजियल वॉल, ते वर्टिब्रेटा दे विच साइक्लोस्टोमेटा दे फिशेस दे विच गिल्स आणगे। अम्फीबिया दे विच स्किन बकोफ्रेंजियल कैविटी ते लंग्स आणगे, रेप्टाइल बर्ड ते मैमल दे विच लंग्स आणगे। सो दीज आर इन ब्रीफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल। नाउ आवर बेसिक डिस्कशन इज अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड वी विल डिस्कस द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक ते रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ताडा नेजल चैम्बर तो लैके लंग्स तक जो है ब्रंकीए ब्रंक्यूल्स तक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन दे विच लंग्स आते हैं। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक दे विच एक ट्यूब का काम करता है जो कि गैसिस नूं लंग्स तक पहुँचाता है। ये नॉस्ट्रिल आ जाता है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ते एल्वोलाई। नॉस्ट्रिल बार जो नेज की ओपनिंग है नॉस्ट्रिल है जी, एक्सटर्नल नेरिस ते इंटरनल अंदर तक ब्रीथिंग वास्ते होता है। उसके बाद फेयरिंग जो है तुहानू पता है फेयरिंग्स जो डिवाइडेड होंदा है नक तो जो आता है डैट इज द नेजो फेयरिंग ठीक है। नेजो फेयरिंग बाद विच लेयरिंग्स नाल कम कनैक्ट करता है, जिन्होंने असी साउंड बॉक्स कहते हैं जी ठीक है जी। ये एक एडम एप्पल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। एपीग्लॉटिस एक फ्लैप है। वेलकम बैक पुनरदीप मैम, यू आर लेट इन द क्लास टूडे, एनी हो वेलकम टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर डूइंग इट। एंड एपीग्लॉटिस एक फ्लैप है जो कि ओसोफेगस नूं बंद कर जो खाना खाते हैं उदो खोलता है, तो लंग्स की ओपनिंग जो ट्रैकिया बंद कर देता है।
तो खाना खाते समय खाना कितने ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, इसलिए एपीग्लोटिस बंद हो जाता। ट्रैकिया विंड पाइप है जिदे शी शेप लरिंग्स बने होंगे, कैलकेरियस रिंग जिन्होंने हेलाइन कार्टिनेज के बने होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सीबल होंगी है जी। तो जो लरिंग्स बने होंगे हार्ड कैलकेरियस के होंगे है, जिद वजह ना कलैप्स नहीं करती। ट्रैकिया जो है कि डिवाइड है राइट तो लैफ्ट, राइट तो लैफ्ट छाती के डिवाइड कर जाता है, राइट लंग्स में राइट ट्रैकिया जाएगा जो कि अगे जाके ब्रोंकाई बन जाता, ब्रोंकस। ट्रैकिया की जो डिवीजन बन जाती है तो ब्रोंकस बन जाता है, ठीक है जी, जिन्होंने प्रायमरी ब्रोंकस कहते हैं। फिर अगे और डिवीजन के ना सेकेंडरी तो टर्शरी बनता। हैलो जोमनजीत मैम वेलकम। टर्शरी के बाद फिर यदि टर्मीनल ब्रोंकस बनता, लब्यूल ब्रोंक्यूल बनता, टर्मीनल ब्रोंक्यूल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्बुलरी ड्रग, फिर एल्बुलस के खुलता है जाके। तो एल्बुलरी जो डक्ट है ये ब्लड कैपलरी तो एक सैक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि छोटी थैली होंगी जिद ऑक्सीजन आती है जी, ठीक है। ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बॉडी तो, ऑक्सीजन आएगी बाहरों, तो ये गैस एक्सचेंज होंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो सा ना है जी लंग्स, बॉडी के दो लंग्स है जी राइट तो लैफ्ट, जो ता राइट लंग्स है ये तीन लोब होंगे है, लैफ्ट लंग के दो रोब होंगे है, लैफ्ट लंग छोटा होंगे राइट बड़ा। दस सकते हो पुनरदीप मैम वाए लैफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग इन द ह्यूमन, हाँ जी जल्दी दसो जी। तो लंग्स जो है प्लूरल कैविटी के इंबैडड होंगे, प्लूरा जो एक फ्लूड फिल एक कुशन होंगे जो कि लंग्स में इंजरी तो बचाता है। थोरैसिक कैविटी तो रिब का केस हों 12 पेयर रिब्स के जो कि इन इंजरी तो बचाते हैं। उसके बाद आता जी मकैनिजम ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के वेंटिलेशन जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, एटमोसफेयर की एयर जो है एल्बुलाई तक आएगी, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसिज होएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसिज हों फ्रॉम द ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कैटाबोलिक प्रोसैस दैट इज़ द कैटाबोलिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द सैल। तो अक्सर बच्चों पूछा जाता है कि की गल है, हाँ जी वेरी गुड, क्योंकि वो हार्ट होंगे पेरीकार्डियम कैविटी होंगी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितों बढ़ती है बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, तो बेसिकली सैलुलर जब रेस्पिरेशन होंगी है ग्लूकोज जब टुटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर बनता है इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। इंस्पीरेशन जो होंगी है तो एक्टिव प्रोसैस है डायाफ्राम के मसल से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के है वो कंट्रैक्ट करते हैं। डायाफ्राम एक मस्कुलर एक डोम शेप स्ट्रक्चर है एबडोमन के थोरैक्स के बीच होंगे। इंस्पीरेशन के जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो रिब केस उपर न आ जाएगा, तो वो बाद सेम टाइम डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता तो फ्लैट हो जाता। जो असी सह लेंगे तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, इन्हें थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ता है। जो एक्सपीरेशन करते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है रिलैक्स कर जाते हैं, तो डायाफ्राम भी रिलैक्स करता है, तो डायाफ्राम जो अपर न आ जाता है, अपर न आने छाती से लोड पैदा प्रैशर तो सह बाहर निकलता है। सो इट इज़ द मकैनिकल प्रोसैस फॉर द नॉर्मल वेंटिलेशन। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम तो कपैसिटी की गल करांगे, कुछ ये बेसिक टर्म है जी, जिस तरह टाइडल वॉल्यूम टीवी कहते हैं 500 ml होंगे, एल्वुलर वॉल्यूम 350 ml, डेड स्पेस है 150 ml जो कि एयर हमेशा लंग्स के रहती है ट्रैकिया के, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो एयर हमेशा रहती है डेड स्पेस कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 है, ये है जी कि हवा असी फोर्सफुली बाहर या अंदर कर सकते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml है, साढ़े लंग्स में हमेशा रहती है जिन्ना मर्जी जोर ना असी सह बाहर कढ़ीए, क्योंकि रेजिडुअल की एयर की वजह के नाल जो लंग्स है एक्सपैंड रहते हैं, जो तो बंदे की डैथ होंगी तो आर की जो रेजिडुअल एयर बाहर आ जाती है तो बंदे के लंग्स कलैप्स कर जाते हैं। रेजिडुअल एयर जो तो बच्चा फस्ट क्राई करता है माँ के गर्भ तो बाद जो पार्चुरेशन होंगी है बर्थ होंगे उदो पहली बार जो बच्चा चलाता है तो वो लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, तो रेजिडुअल एयर हमेशा रहती है। वाइटल कपैसिटी जो है 4000 to 4500 ml है, वाइटल कपैसिटी का फार्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी क्रैप कपैसिटी है जी 350 ml,
फंक्शनल रेजिड्यूल है जी 2100 तो 2300, टोटल लंग कैपेसिटी 5100 तो 5500, टोटल जो एयर है लंग्स दे विच एंड एक्सपिरेटरी पासेज दे विच जो असीं वध तो वध जोर लावांगे किन्नी हवा असीं अंदर ले जाइए किन्नी हवा ही बाहर कढ़ी हुंदी है जी 5500 तो 5500 ml। एल्वोलरी वेंटिलेशन दे विच 4200 ml है, ये रेट है एट विच द फ्रैश एयर रीचिज द एल्वोलाई एंड एडजॉइनिंग एरिया। फ्रैश एयर किन्नी ज़्यादा एल्वोलाई तक आती है 4200 ml। सो एक्सचेंज ऑफ गैसिस जो है ये एल्वोलरी सरफेस से गैसियस टिश्यू तक जाता है। ब्लड जो है एल्वोलस तक आता है, वीनस ब्लड हैज अ लोअर ऑक्सीजन। हुण जो तुहानू पता है जी हार्ट तुहाडा दो बार ब्लड पंप करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स नूं दिंदा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी नूं दिंदा है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो आएगा जी लंग्स नूं। सो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी बॉडी जिन्नी भी आर्टरीज है इट ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह पल्मोनरी वेन जो कि प्यूरीफाइड ब्लड लंग्स तो लैफ्ट ऑरिकल च लेके आती है, इट इज़ द ओनली वेन डैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जिन्नी भी वेन्स है जो भी हार्ट नूं आंदी है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, तुसीं दोबारा फिर सुन लियो पॉज करके, इंपॉर्टेंट है इन्ना तुहानूं याद रहेगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो ये क्वेश्चन पेपर च जरूर आ जाता है। सो 40 mm ऑफ मरकरी का प्रेशर होंदा है, हायर CO2 46 mm ओ यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एल्वोलरी दे विच 40 ml है, mmg है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 46 है। सो इहदा 6 का डिफरेंस है, इस वजह नाल CO2 एक स्टिमुलस का काम करता है, प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी इट इज़ द अल्टीमेट स्टिमुलस डैट स्टिमुलेट आवर बॉडी टू इंस्पायर, इहदी वजह नाल असीं साह लैंदे हाँ, ठीक है जी। सो इसे तरीके नाल जो ब्लड दे विच ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा तो उन्नी जल्दी ही कार्बन डाइऑक्साइड टिशू दे विच बनेगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिशू, टिशू दे विच की हुंदा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुंदा ब्लड ते टिशू दे विच थ्रू द टिशू फ्लूइड जिहनूं एक्सट्रा सैलूलर फ्लूइड कहिंदे आ। तो ब्लड जो है रीचेज द टिशू मोर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो कि ब्लड आ रहा जी हार्ट तो ये पार्शियल प्रेशर हो जाए जी 100 ml, फिर टिशू से जो पार्शल प्रैशर है 40 ml है, यानी टिशू के ऑक्सीजन घट है तो ब्लड के ज़्यादा है जोड़ा ब्लड हार्ट तो आ रहा, इसलिए ऑक्सीजन अल्टीमेटली जाएगी। इस तरीके पार्शल प्रैशर टिशू के कार्बन डाइऑक्साइड का घट है ज़्यादा है तो ब्लड घट है, टिशू के 46 ml है ब्लड 40। इस तरीके जो टिशू के कार्बन डाइऑक्साइड चल जाएगी टिशू तो ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ब्लड तो टिशू के ऑक्सीजन जाएगी, ये पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है जी। उसके बाद होंगे जी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाएंगे, दो तरीके होंगे जी ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो RBCs नाल कंबाइंड होंगी है। हीमोग्लोबिन तुहानू पता है एक प्रोटीन है जो आयरन कैरिंग है, ये 4 हीम ग्रुप होंगे है, 4 एटम एक आयरन कंबाइन करता है, तो एक हीमोग्लोबिन के 8 ऑक्सीजन एटम होंगे है, ठीक है जी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डैसोसिएशन जो कर्व है ये बहुत इफेक्ट शो होंगे है। सो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो भी ऑक्सीजन नाल बाइंड करता है इन्हें कहते परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन नू बाइंड करता है। सो रिलेशनशिप ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो पार्शियल सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इन ग्राफिकली दस सकते हैं, एक सिगमाइंड शेप कर्व होती है जिन्होंने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डैसोसिएशन कर्व कहते हैं, तो सिगमाइंड है डैसोसिएशन होएगी, ऑक्सीजन जिन्नी ज़्यादा लेगा हीमोग्लोबिन टुटनी भी है नालों अनवाइंड भी होएगी, अनवाइंड हो के ऑक्सीजन जो है सैल के अंदर जाएगी। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 mm है हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेटड हो जाता 50%, पार्शियल प्रेशर जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 50% है दैट इज़ द P50, जो 40 mm पार्शियल प्रेशर हो जाता तो 75% है, जो 100 mm पार्शियल प्रेशर हो जाता है तो 97% है, यानी मैक्सिमम जो सैचुरेशन है डैट इज़ अ 97%, 100% हीमोग्लोबिन कभी भी सैचुरेट नहीं होंगे।
सो हीमोग्लोबिन जो है डज नॉट टेक अप ऑक्सीजन एट लो ऑक्सीजन बट ऑक्सीजनेटेड पिगमेंट अकर इज इनफिनिटी फॉर मोर ऑक्सीजन इनक्रीज। सो हीमोग्लोबिन जो चार सब यूनिट प्रजेंट है एक्वाइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इनक्रीज द इनफिनिटी ऑफ द नेबरिंग हीम दिस इज नो एज द को कोऑपरेटिविटी बिटवीन द एक्टिव साइट। कहने का मीनिंग की है कि एक हीमोग्लोबिन चार हीम है एक हीम जो ऑक्सीजन बाइंड कर गया बाकी ऑटोमैटिकली करेंगे उन्होंने ऑटोमैटिकली एक्टिव करेगा। ठीक है जी फैक्टर कि फैक्ट करते हैं ऑक्सीजन डैसोशिएशन डैसोशिएशन कर्व कि ज़्यादा डैसोशिएट होएगी लैफ्ट साइड जिनी डैसोशिएट होएगी उन्ना ज़्यादा ऑक्सीजन जो है सैल में मिलेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिन्ना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घटेगा उन्नी वो राइट में शिफ्ट करेगी टैंपरेचर बढ़ने नाल ऑक्सीजन डैसोशिएशन बढ़ जाती है फिर राइट में शिफ्ट करेगी पीएच इनक्रीज होने एसिड के लोअर का पीएच घट जाती है तो प्लाज्मा शिफ्ट करती है राइट में। ठीक है जी तो उसके बाद आएगी जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनफिनिटी बाइंड करती है ये लैफ्ट साइड चले जाती है। उसके बाद 2,3 DGP होंगे जी 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जे रेड सैल में है अडल्ट दे तो इट कंपीट करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग साइड के नाल सो ये डैसोशिएशन करने वाला मोलीक्यूल है। ठीक है जी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डैसोशिएशन कर्व शिफ्ट करती लैफ्ट नू फीटल ब्लड दे विच बिकॉज द फीटल ब्लड हैज मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द अडल्ट सो राइट नू करनी चाहिए है बच्चों के ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड रहती है बाइंड करे पर ज़्यादा बाइंड भी ना करे डैसोशिएशन भी जरूरी है। बोहर फैक्ट की है शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू राइट बाय इनक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो राइट में शिफ्ट करेगी राइट में शिफ्ट करने का मतलब की है ऑक्सीजन निकल रही है हीमोग्लोबिन तो ठीक है जी सैल में ऑक्सीजन चाहिए है क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है इनू बोहर फैक्ट कहते हैं इनू कहते हैं जी अनलोडिंग ऑक्सीजन एंड लोडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली ये तो उल्टा जाता है जी हाल्डेन इफेक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के आंदा कार्बन डाइऑक्साइड के डिजोल्व तो हीमोग्लोबिन फॉर्म में भी होंगी है 70% जो CO2 है वो ब्लड टिश्यू तक जाती है इंटर द आरबीसी बियर रैक्ट विद द कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी आल द कार्बोनिक एसिड ऑफ आरबीसी डैसोशिएट करता है एच पॉजिटिव के कार्बोनेट ना। ठीक है जी तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा दे विच जाती है। ठीक है जी सोल्यूशन फॉर्म दे विच ते 95-7% तक जो है हीमोग्लोबिन च जाती है। ठीक है जी तो ये आता जी क्लोराइड शिफ्ट जदों कार्बोनेट बनता है तो एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनते हैं तो ये वास्ते जो क्लोराइड आयन है प्लाज्मा तो आरबीसीस नूं जाणगे नैगेटिव अंदर जाएंगे क्योंकि एच पॉजिटिव ज़्यादा बन रहे तो नैगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करने जाते हैं इनू असी हैमर वर्ग फिनोमिना भी कहते बहुत इंपॉर्टेंट है हैमर वर्ग फिनोमिना तो क्लोराइड शिफ्ट के आती है जी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट हाल्डेन इफेक्ट आ जाता है हाल्डेन इफेक्ट की है हुण कार्बन डाइऑक्साइड जी है बाहर निकलनी है ऑक्सीजन आनी है जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड के तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन तो अनलोड हो जाएगी जदों हीमोग्लोबिन के नाल कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है कहते कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन बाइंड करती कहते जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुण कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड होनी है ऑक्सीजन लोड होनी है इनू कहते हैं जी अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है जी मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा। रेगुलेशन दे विच गल करिए रेस्पिरेटरी सिस्टम किदां रेगुलेट हुंदा है ये नर्वस सिस्टम भी काम करता है तुहाडा रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ते पोन्स विरलाई विच हुंदा है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ नर्व ते वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एपनिस्टिक सेंटर ते न्यू मिनेस्टिक सेंटर ब्लड ताडे ब्रेन दे विच हुंदे है उहदे बाद न्यूमेटिक सेंटर जो है डोर्सल पार्ट है पोन्स विराई दा जो इंस्पायरेशन नू कंट्रोल करता है एपनिस्टिक सेंटर जो है पोन्स विराई दे थल्ले हुंदा है जो कि इंस्पायरेशन नू डीप करता है जदों असीं डीप रेस्पिरेशन करनी है तो साडा एपनिस्टिक सेंटर ज़्यादा एक्टिव होएगा। ठीक है जी उसके बाद कैमिकल रेगुलेशन है पीएच की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन
तो कीमोरसैप्टर होंगे जी कैरोटिड तो एरोटिक बॉडी जो कि साढ़े आर्टरीज से होंगे कैरोटिड आर्च के सो ये भी कैमिकल सिग्नल भेजते हैं फॉर द रेस्पीरेशन इन्हें रेस्पीरेशन का लैवल घट या बद हो जाता है। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर है जो रेस्पीरेटरी सिस्टम के हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है आरबीसी के अपेक्सिया ऑक्सीजन कंटेंट जो फॉल करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो राइज करती है ब्रोंकाइटिस दे विच ब्रोंकाइटिस की स्वैलिंग हो जाती है ब्रोंकियल अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है ये स्वैलिंग हो के ब्रोंकाई बंद हो जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। निमोनिया जो है लंग अल्वियोलाई दे विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन है फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है छाती जाम हो जाती है एम्फाइसीमा वेंटिलेशन की कपैसिटी घट जाती है साह ऑक्सीजन जो साह तो लैंदा बंदा पर ऑक्सीजन का लैवल घट जाता है लंग्स ये सिगरेट स्मोकिंग के नाल हुंदा है तो ये लंग्स की कपैसिटी घट जाती है लंग्स का साइज बदल जाएगा ये ऑक्यूपेशनल कुछ बीमारियां जी जो कि सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस फैक्ट्री काम करने वाले बंदे नूं बीमारियां हो जाती हैं लंग्स फिब्रिकेशन हो जाती है तो लंग्स नूं कैंसर भी हो जाता है। तो इट ऑल अबाउट फ्रॉम द रेस्पीरेशन दैट इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आई होप तुहानू अज दा वीडियो चंगा लग्या होएगा जे वीडियो चंगा लग्या होए तो ज़्यादा लाइक शेयर कर देना वीडियो नूं लाइव वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर देना फॉर आवर चैनल मोटिवेशन यू कैन सेंड सुपर चैट सुपर स्टिकर एंड सुपर थैंक्स ताकि आने वाले समय से तुहानू होर वीडियो मिल सके। ठीक है स्टार्टिंग के विच सुमनजीत कौर का कमेंट आया से जी टैट के सर्टिफिकेट कितों लेने हैं जी ये क्लास सिर्फ लाइव क्लास थी टैट के कोई ये क्वेश्चन आंसरिंग वाला नहीं सी सो तुहानू इहदा आंसर होगा जी डाइट जो तुहाडी डिस्ट्रिक्ट दे विच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी आई जो होंदी है हर डिस्ट्रिक्ट दे विच उत्थों तुहानू ये सर्टिफिकेट मिलणगे जे नहीं ते तां तुसीं डीओ ऑफिस ते भी पता कर सकते हो ये दो ऐसे ऑफिस है जिथों तुहानू टैट के सर्टिफिकेट मिलणगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।